आएगा बी, ई के आफ्टर एफ, सी के आफ्टर डी। इस तरीके से बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवानी है ए टू आई के बीच में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आप सभी? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास नर्सरी इंग्लिश फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम वर्कशीट सेशन 2024-25 के लिए वर्कशीट है। तो बच्चों की फर्स्ट टर्म में जितना भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है कैपिटल लेटर में ए टू एच, ए टू आई या ए टू के, उन सभी का ही बच्चों से एग्ज़ाम लिया जाता है। क्योंकि बच्चा फर्स्ट टाइम नर्सरी क्लास में जा रहा है तो कौन कौन सी वर्कशीट बच्चों को आनी चाहिए इस बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो वर्कशीट है वो है लुक एंड राइट का, जहां बच्चे को क्वेश्चंस को देखना है, यानी क्वेश्चंस मीन्स जो लेटर्स हैं उसे देखना है और सेम लेटर्स को यहां पर लिखनी है। जैसे ए को देखकर ए बनाना है, बी को देखकर बी बनाना है, सी को देखकर सी, जितने भी लेटर्स हैं वो दिए जाते हैं ताकि बच्चा ए टू आई तक या ए टू जे तक प्रैक्टिस कर सके। अगली वर्कशीट है सी एंड राइट। यहाँ बच्चे को क्या करना है, जितना ही बच्चे ने अल्फ़ाबेट सीखा है उसमें बच्चों को पिक्चर्स हमें प्रैक्टिस करवानी है। जैसे एरो है तो ए इज़ फॉर एरो होता है, कप सी इज़ फॉर कप, ड्रम है तो डी इज़ फॉर ड्रम। क्योंकि फोनिक्स हम सिखाते हैं बच्चों को, ए फॉर एप्पल ही नहीं बताते, अब ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो, ए फॉर एम्बुलेंस, इस तरीके से बच्चों को 2-3 पिक्चर्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वो सारी पिक्चर मिक्स करके आपको बच्चे को देनी है। अगली वर्कशीट है कनेक्ट ए टू आई। यहाँ बच्चे को ए बी सी डी को कनेक्ट करना है ए टू आई तक में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इस तरीके से बच्चे को एक पर्टिकुलर शेप यहाँ बन जाएगा। आप बच्चे को चाहें तो कलर करने को भी दे सकते हैं। अगली वर्कशीट है राइट आफ्टर लेटर। यहाँ फर्स्ट टर्म में बच्चों को आफ्टर लेटर सिखाते हैं और धीरे धीरे फिर बच्चों को फर्स्ट टर्म के बाद बिफोर का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, क्योंकि नर्सरी में बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है वर्कशीट को या क्वेश्चंस को समझने में। तो ए के बाद यानी ए के आफ्टर क्या आएगा, बी, ई के आफ्टर एफ, सी के आफ्टर डी। इस तरीके से बच्चों को आपने प्रैक्टिस करवानी है ए टू आई के बीच में। हमारा अगला वर्कशीट है कनेक्ट लेटर विथ पिक्चर। यहाँ पर लेटर सी है, सी इज़ फॉर क्या होता है, सी इज़ फॉर होता है कैट, ये बच्चा जानता है, बट सी इज़ फॉर कप भी होता है और सी इज़ फॉर क्या होता है, केक भी होता है। तो पिक्चर को, लेटर को क्या करना है, पिक्चर से कनेक्ट करना है। तो यहाँ बच्चे ने सी फॉर क्या सीखा, कप, सी फॉर कैट, सी फॉर केक, तो ये होता है एक तरीके से। फोनिक्स में हम बच्चों को यही सिखाते हैं। अगली वर्कशीट है सर्कल द करेक्ट पिक्चर। यहाँ वन साइड बच्चे को लेटर देना है और रिलेटेड पिक्चर्स देनी है। ए इज़ फॉर क्या होता है, बच्चा बोलेगा ए इज़ फॉर होता है एरो, ए इज़ फॉर एप्पल होता है बट एप्पल नहीं है तो ए इज़ फॉर एरो होता है, लीव्स नहीं होगा, ड्रम नहीं होगा, आई इज़ फॉर इंक पॉट, आई इज़ फॉर आइसक्रीम भी होता है। तो इस तरीके से बच्चे को आपने इस तरीके से देना ताकि बच्चा लेटर्स को देख के करेक्ट पिक्चर को भी क्या कर सके, सर्कल कर सके। तो ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाते हैं। अगला वर्कशीट है मैच सेम साउंड पिक्चर, यानी सेम साउंड पिक्चर, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरो होता है, तो इस तरीके से बच्चों को सेम साउंड पिक्चर्स को मैच करना है। यहाँ पर लेटर्स नहीं है, क्लाउड, सी इज़ फॉर क्लाउड, सी इज़ फॉर कप, सेम साउंड पिक्चर, ए इज़ फॉर एरो, ए इज़ फॉर एप्पल, सेम साउंड पिक्चर्स है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। ये एक्चुअली ये फोनिक साउंड से रिलेटेड वर्कशीट है, लाइक ए एप्पल, एरो, इस तरीके से बच्चों को जब सिखाते हैं ना ए टू जेड, तो हम बच्चे को एक से ज़्यादा जो पिक्चर्स है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है मैच पिक्चर्स एंड लेटर। यहाँ पिक्चर्स और लेटर की मैचिंग करनी है। देखिए आई इज़ फॉर क्या होता है, इंक पॉट, जी इज़ फॉर ग्रेप्स, ए इज़ फॉर एरो, इस तरीके से। तो डिफरेंस फॉर्म में मैंने दी है, सामने सामने ना देखे इस तरीके से दी है। तो इस तरीके से बच्चों की आप प्रैक्टिस कराएँ। अगला वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बच्चे को ब्लैंक फिल करना है, ए के बाद क्या आएगा, बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी, एच, आई, इस तरीके से। मैंने जे लिखा है यहाँ, बट आप ए टू आई या जो भी बच्चों के स्कूल में कराया गया है उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला वर्कशीट है राइट ए टू आई। यहाँ पर बच्चे को बिना देखे अब लिखना है ए टू आई, तो इसके लिए बच्चों को आपको बार बार प्रैक्टिस करवाना है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसको टाइम लगेगा मेमोराइज़ करने में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारी जो वर्कशीट है इस तरीके से प्रैक्टिस करें, फिर बच्चे को बोले ए बी
सी डी दो दो लेटर्स से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि बार बार आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी बच्चा कर पाएगा। नेक्स्ट वर्कशीट है मैचिंग। यहाँ पर मैंने लेटर्स लिए हैं, तो बच्चे को सेम लेटर को क्या करना है, मैच करना है। तो ए को ए से मैच करेंगे, बी को बी से मैच करेंगे। तो इस तरीके से आप ए टू आई दे सकते हैं। मैंने यहाँ ए टू एफ क्वेश्चन लिया है, आप ए टू आई दे के प्रैक्टिस बच्चों की करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्कल ऑल डी लेटर डी, यानी यहाँ पर एक ड्रम की पिक्चर बनी है और बच्चे को क्या करना है, लेटर डी यानी इस तरीके से डी को क्या करना है, फाइंड करके सर्कल करना है इस तरीके से। सब बच्चों को डी जितने भी लेटर डी हैं उनको यहाँ सर्च करना है और उसे क्या करना है, इस तरीके से सर्कल करना है। ऐसी वाली वर्कशीट से बच्चा आइडेंटिफाई करना सीखता है रिलेटेड ऑब्जेक्ट एंड लेटर। हमारे नेक्स्ट है क्वेश्चन सी एंड सर्कल फर्स्ट साउंड। यहाँ बच्चों को फर्स्ट साउंड यहाँ पर सर्कल करना है। जैसे इंक पॉट शुरू किससे होता है, आई से, आई फॉर इंक पॉट। फिश किससे शुरू होता है, एफ, एफ इज फॉर फिश। ग्रैप शुरू होता है जी से, जी इज़ फॉर ग्रैप्स। इस तरीके से यहाँ पर जैसे पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पिक्चर्स थे, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पिक्चर्स देनी है आपको, बच्चे को करेक्ट लेटर को सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द ऑड वन। यहाँ बच्चे को ऑड वन फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख लिए हर तरफ ए बना है, लेकिन जो ये ए है ये उल्टा है। इस वाले क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चा सही जो बनावट है वो सीखता है कि ए की बनावट किस तरीके से है और ये जो ए है बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर बी सब सही है बट ये वाला बी उल्टा है। तो इस तरीके से आप लेटर्स ए टू आई के बीच में बच्चे को देके ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराएं। तो जितने भी शीट्स मैंने आपके साथ यहाँ प्रैक्टिस किए हैं ये बच्चों के एग्ज़ाम से रिलेटेड वर्कशीट है। आप अगर वन बाई वन प्रैक्टिस करते हैं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। तो आप सभी शीट्स को अभी से प्रैक्टिस करते हो तो बच्चा हर एक क्वेश्चन को करना सीख जाता है, क्योंकि नर्सरी क्लास के बच्चे को क्वेश्चन समझने में बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग एज है, बच्चा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देगा और फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस को बच्चा करता है। तो आप ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ वन बाई वन एक जैसे आप ये क्वेश्चन देख लें, इसको टू टू थ्री टाइम प्रैक्टिस करें ताकि बच्चा इसको अच्छे से समझ सके कि इस क्वेश्चन में उसे करना क्या है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।